सेल्फी की चाहत एक बार फिर मौत की वजह बन गई। ताजा मामला सामने आया है भोपाल से, जहां एक राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी पूजा कुमारी सेल्फी लेने के चक्कर में तालाब में जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मछलियों के साथ सेल्फी लेने की जिद, सुरक्षा घेरे को तोड़कर तालाब किनारे पहुंचने की चाहत, फिर गीली मिट्टी में पैर फिसलना और हो गई अनहोनी। भोपाल में रह रही नेशनल लेवल की खिलाड़ी पूजा के साथ ये दर्दनाक हादसा पेश आया। लंबी दौड़ की एथलीट पूजा कुमारी साई रीजनल सेंटर में प्रैक्टिस के बाद अपने हॉस्टल लौट रही थी। इस दौरान दौड़ साथी उसके साथ थी। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा, जिसे देख पूजा ने मछलियों के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई। तीनों एथलीट तालाब के पास पहुंची और पूजा सेल्फी लेने के लिए किनारे पर जाने लगी। किनारे पर बारिश के कारण फिसलन बन गई थी, जिससे पूजा का पैर फिसल गया और वो तालाब के गहरे पानी में चली गई। वो मछलियों को ऐसे देख के उसने फोटो खिंचाने के लिए बोला कि हमारी फोटो खींच दो, तो हम लोग उसको मना भी करते रहे नीचे जाने के लिए। तो वहीं पर गई उसने, हमने उसकी फोटो भी ली। उसके बाद जैसे वो वापस आने को हुई, तैसे उसका पैर स्लिप हो गया। तो हम लोग ऊपर थे, जब तक पहुंचते वो सीधे से अंदर ही जाती चली गई, इसमें ऐसे फॉल डाउन था। तो देखिए, अभी जो भी घटना हुई है उसकी मैं अभी पुलिस को इंक्वायरी करने दे दिए हैं, हम हैंडओवर कर दिए हैं, वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। जब भी इंक्वायरी का जो भी आउटकम होगा उससे कंक्लूजन से पता चल जाए, अकॉर्डिंगली आई विल एक्ट। पुलिस के मुताबिक पूजा को पानी से तुरंत बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब तक बाहर निकाली जाती तब तक देर हो चुकी थी। सभी इकट्ठा दौड़ी और गार्ड रूम में सूचित किया कि इस प्रकार से जो है पूजा कुमारी हार्वेस्टर पॉन्ड में गिर गई हैं। फिर इसके बाद इन लोगों को जो गार्ड रूम से वहां पे लोग आए उनको निकाला, उसको पूजा कुमारी को चिरायू अस्पताल जो मालीपुरा है वहां भर्ती कराया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पूजा बीते 3 साल से इस सेंटर में ट्रेनिंग हासिल कर रही थी। 1 महीने बाद ही CISF ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। पूजा की मौत के बाद एक बार फिर खतरनाक जगहों पर सेल्फी को बैन करने की मांग उठने लगी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।